Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. Today we will talk about this RLC circuit, and इससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए थे RLC सर्किट पे, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे हम। देखो यहाँ पे ये RLC सर्किट है। RLC मतलब इसमें रजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, तीनों चीजें रखी है। यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है। जो स्विच आप मैंने बताई थी कैसे पहचान करते हैं ओपन या क्लोज, ये टी कस टू जीरो पे क्या किया गया, ओपन किया गया। तो जीरो माइनस पे क्लोज रहा होगा, ठीक है। जीरो के बाद क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा। तो ये वाली चीज हमसे पूछी है, आई एल जीरो प्लस बी सी जीरो प्लस, ठीक है। देखो इनको कैसे करेंगे, वन बाय वन हम इनको करते जाएंगे। पहले टी कस टू जीरो माइनस से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा कि करते हैं तो जीरो माइनस से जब शुरू करेंगे, इंडक्टर क्या होता है जीरो माइनस पे शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, और ये स्विच जो जीरो पे बंद किया गया, सॉरी ओपन किया गया, तो जीरो माइनस पे क्या रहा होगा, क्लोज रहा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर वन की तरफ। देखिए मैंने पहले स्टेप लिख दिया, टीकर से जीरो माइनस पे स्विच को क्लोज रखेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले ये 10 वोल्ट स्विच रहा क्लोज्ड, यहाँ पे ये 5 ओम, ठीक है, और इंडक्टर हो गया शॉर्ट। बाकी का बनाओ, यहाँ पे ये 10 ओम और कैपेसिटर हो जाता है ओपन सर्किट, ठीक है। तो जीरो माइनस पे क्या करते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस करंट और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं बस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई एल जीरो माइनस पे हम निकाल लें, और यहाँ पे ये प्लस माइनस, क्योंकि पोलरिटी देखो ध्यान से इस टाइप की दे रखी है, प्लस माइनस वी सी जीरो नेगेटिव, जैसी पोलरिटी दे रखी होगी उसी पोलरिटी से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से तो ये ओपन हो गया, तो इधर कितनी करंट आ रही होगी, 10 ओम में 0 एम्पियर, ठीक है। जब यहाँ पे ओपन है तो कोई करंट नहीं आ रही होगी, जो भी करंट आ रही होगी यहाँ से वो इस तरह से जा रही होगी, यानी आई एल जीरो नेगेटिव। तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, आई एल जीरो नेगेटिव कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 5 ओम का आ रहा है उसके रास्ते में, तो ये कितना आ गया, 2 एम्पेयर आ गया। और हमें पता है इंडक्टर सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, तो ये आई एल जीरो माइनस भी क्या रहता है, आई एल जीरो प्लस के इक्वल रहता है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, अब तो आदत पड़ गई होगी। अब देखो वी सी जीरो नेगेटिव निकालना, देखो अब यहाँ पे दो तरीके कैसे इसे दो करिए कर लेंगे यहाँ पे, या तो इस टाइप से लगा लो KVL, ठीक है, बाहर बाहर, या एक इस वाले लूप में लगा लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। दोनों में से कोई से भी लगा सकते हैं, आंसर तो सेम ही रहने वाला, ठीक है। चलो मैं ऐसे लगा देता हूँ, बाहर बाहर, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा यहाँ से, -10, माइनस का 10 प्लस 10 × 0, ठीक है, प्लस वी सी जीरो माइनस इजिकल्स टू जीरो। जब ये तो जीरो हो गया 10 × 0, और राइट साइड में जाएगा -10, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी वी सी जीरो नेगेटिव की वैल्यू कितने आ गई, 10 वोल्ट। ये हमें पता, और कैपेसिटर सडन चेंज को अलाउ नहीं करता वोल्टेज के, तो ये भी 10 वोल्ट ही क्या रहेगी, वी सी जीरो प्लस पर रहेगी वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट दो पार्ट हो गए कवर यहीं पर। देखो आगे बढ़े स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं, जीरो प्लस पे स्विच है, देखो यहाँ पे क्या आया, जीरो पे क्लोज कर ओपन कर दिया, तो जीरो प्लस पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। इंडक्टर क्या हो जाता है उसमें, सेकेंड उसमें जीरो प्लस पे वो इंडक्टर होता है ओपन सर्किट, लेकिन कंडीशन क्या रहती है, जो वैल्यू करंट क्या आई है जीरो माइनस पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जीरो प्लस पे वही वैल्यू हो ना, इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी के पैरेलल में यहाँ पे टू टू जो हेनरी लगा हुआ है इसको हटाएंगे, इसके पैरेलल में 2 एम्पीयर करंट फ्लो करा देंगे, ठीक है। और वीसी ऐसे यहाँ पे करेंगे, कैपेसिटर के क्या करेंगे, वोल्टेज कैपेसिटर हो जाता है शॉर्ट सर्किट, उसके सीरीज में क्या लगा देंगे, इस 10 वोल्ट को लगा देंगे जो जीरो प्लस पाया, ठीक है। तो मैं स्टेप नंबर टू लिखता हूँ, लो इसको आप सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट, ठीक है, स्विच रह जाएगा क्या, ओपन। यहाँ पे ये लगा हुआ 5 ओम। अब देखो इंडक्टर हो गया ओपन, लेकिन कंडीशन क्या, जो जीरो प्लस माइनस पे वैल्यू आई है वही जीरो प्लस के इक्वल होती है, उसे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ से इंडक्टर हटाया उसके पैरेलल में एक करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा देंगे उतने एम्पियर का, कितने का आया था वो, 2 एम्पियर आई थी वहां पर, ठीक है। डायरेक्शन नीचे की तरफ, क्योंकि वहां पे देखो आई एल टी जो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो इसके यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ वोल्टेज कितना, वी एल जीरो प्लस,
अब चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे लगा हुआ 10 ओम, कैपेसिटर को कर दिया मैंने शॉर्ट, लेकिन उसके साथ सीरीज में क्या आएगा, वही वोल्टेज आएगा जो पहला आया हुआ। तो इस 10 वोल्ट को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये बन गया 0+ पर सर्किट। अब मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे देखो, मुझे निकालनी है सेकंड डेरिवेटिव, VL 0+ चाहिए और IC 0+ चाहिए। IC 0+ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में जाती है करंट, इंडक्टर हो, रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, ठीक है। तो IC 0+ ये हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाती हुई। अब देखो यहाँ से, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 एम्पियर है इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ठीक है, इधर तो जाएगी नहीं, इधर कितनी जाएगी, 0 एम्पियर। फिलहाल इधर का पार्ट तो खत्म हो गया, ये 2 एम्पियर ऐसे करके जाएगी, ऐसे जाएगी, और IC 0+ ऊपर से आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब IC 0+ जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसके डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो IC 0+ की वैल्यू कितनी आ गई, -2 एम्पियर। अब मुझे चाहिए VL 0+, तो मैं क्या करता हूँ, KVL लगा देता हूँ। चलो KVL लगा दो, इस टाइप से घूम जाओ इस वाले लूप में। शुरू करते हैं यहाँ से VL 0+ से। VL+ का साइन है ना पहले, तो प्लस कर लिया VL 0+, फिर -10 प्लस, यहाँ से ये 10 ओम से क्या जाएगी, 2 एम्पियर ही आएगी, ये 2 एम्पियर अब घूमती रहेगी ना इस टाइप से, ठीक है, ये 2 एम्पियर ही आ रही है इस हिसाब से, ये 2 एम्पियर जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो 10 इसमें क्या जाएगी, 10 वाले में भी 2 2 एम्पियर जाएगी, और 5 वाले में भी क्या जाएगी, सेम जाएगी, IC 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बस सोल्व करना है हमें, कितना आ जाएगा ये VL 0+ -10, ये हो जाएगा 20+10 IC 0। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और VL ये प्लस का 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से VL 0+ जो आ गया कितना आ गया, इसको इधर भेज दो, -20 हो जाएगा ये, -20 वोल्ट, ठीक है। तो IC 0+ आया हमारा जो चाहिए था हमें, -2 एम्पियर, और ये आया VL 0+ -20। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब स्टेप नंबर 3 तो बनाएंगे नहीं क्योंकि इनफाइनाइट पे पहुंच नहीं है। तो अब जो ये वैल्यू बची, इनको कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव वाली, इनका फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ पहले, मैं लिख देता हूँ। चलो तो ये फॉर्मूले होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, VL 0+ को LdI L 0+ अपॉन dt, ठीक है। यहाँ से हमें चाहिए केवल DIL 0+ अपॉन dt, तो ये वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है, ऐसे यहाँ पे निकालना। तो ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, VL 0+ की वैल्यू कितनी आई है, -20, और L की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसमें क्वेश्चन में देखो अगेन, L की वैल्यू जो दे रखी थी 2 हेनरी, ठीक है, 2 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ था, तो बस यहाँ पे लगा दो, कितना आ जाएगा ये -10। इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो यहाँ पर DIL यानी एम्पियर, नीचे DT यानी टाइम, एम्पियर पर सेकंड, ऐसे यहाँ पे लगा दो। IC 0+ कितना आया यहाँ पे, -2। कैपेसिटर कितने का लगा हुआ, 1 फेरेड का, शायद देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं, 1 फेरेड का लगा हुआ है, 1 फेरेड का लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आ गया, -2। यूनिट क्या होगी यहाँ पर, देखो DVC यानी वोल्टेज अपॉन DT मतलब टाइम, ठीक है, वोल्टेज पर सेकंड, बस ये वैल्यू निकालनी थी। अगर इनफाइनाइट पे पहुंची होती तो इनफाइनाइट पे सर्किट बना के निकाल लेते, ठीक है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन पूछेगा निकालते चले आना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।